कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करने वाले एक शख्स को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर अजनी सहित विविध थानों में कई मामले दर्ज है। वहीं आरोपी से 6,55,000 का माल जब्त किया गया। कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उसे अदा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग गलत कदम भी उठाते हैं। ऐसे ही एक आरोपी को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो अपना कर्ज चुकाने के लिए वाहनों की चोरी करता था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रज्वल हटवार ये रसिका ट्रेवल्स में काम करता था और उस पर बहुत सारा कर्जा था। उसे चुकाने के उद्देश्य से प्रज्वल कंपनी में आई गाड़ियों की चाबी किसी बहाने अपने कब्जे में कर रात के समय गाड़ियां चुरा कर ले जाता था। इस बारे में पुलिस को पता चलते ही उन्होंने तांत्रिक चीजों का उपयोग कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 2 कारें और 3 दुपहिया वाहन, ऐसे कुल मिलाकर 6,55,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय तलवारे आणि त्यांची डीबीची टीम पीएसआई आशीष ठाकुर, खेमराज पाटील, गजानन माहुलकर आणि अतुल दवंडे यांच्या टीमने एक महत्त्वपूर्ण गुन्ह्याचा तपास उघडकीस आणलेला आहे। यात रेकॉर्डवरील वाहन चोर प्रज्वल विजय हटवार त्याला अटक करून त्याच्याकडून 2 चारचाकी आणि 3 दुचाकी अशी वाहनं त्याच्याकडून जप्त केलेली आहेत। प्रज्वल विजय हटवार याची गुन्ह्याची पद्धत हा रसिका ट्रॅव्हल्समध्ये डेली वेजेसवर ड्रायव्हर म्हणून चालक म्हणून काम करायचा आणि काम करत असताना त्याला जेव्हा वाहनाच्या चाव्या वापरण्यात येत होत्या त्या चावी तिथंच न ठेवून देता ती चावी नकळतपणे गहाळ करायची आणि रात्रीच्या वेळेस येऊन ती वाहनं चोरून घेऊन जायची। अशा पद्धतीने त्याने एक इंडिगो कार आणि एक इनोवा कार अशा 2 कार चोरून नेलेल्या होत्या। अतिशय तांत्रिक CCTV माध्यमातून आणि गोपनीय पद्धतीने जी बातमी मिळाली त्याच्यावरून आमच्या DB टीमने याला पकडून याच्याकडून इतर 3 दुचाकीसुद्धा जप्त केलेल्या आहेत। एकूण अजनी पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे व प्रतापनगर आणि गिट्टी खदान पोलीस स्टेशनचा 1-1 गुन्हा असे 5 गुन्हे डिटेक्ट करून एकूण 6,55,000 रुपयाचा मुद्देमाल अजनी पोलीस स्टेशनने या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेला आहे।